बड़ी खबर है, मंत्री हरदीप सिंह डंग चुनाव जीत गए हैं। हरदीप सिंह डंग का अपना रुतबा है इलाके में। सुवासरा सीट जो है उससे वो पहले भी चुनाव जीते थे, उसके बाद ये दोबारा चुनाव जीते हैं। हरदीप सिंह डंग को लेके बीजेपी के मन में कहीं कोई संदेह नहीं था कि वो जीत पाएंगे। इस बात को लेके उन्होंने कांग्रेस के राकेश पाटीदार को हराया है। राकेश पाटीदार कांग्रेस के लिए नया नाम थे, सर्वे में ये नाम सबसे अव्वल था कांग्रेस के। उसके बावजूद डंग के सामने राकेश पाटीदार कौन साबित हुए हैं। हरदीप सिंह जो डंग है उनकी मार्कशीट पे फिलहाल पास की सील लग गई है, और उन्होंने जो काम किया है नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, उसको खास करके जो मालवा इलाका है मध्य प्रदेश का, वहाँ खासी तवज्जो मिली है, और उनका जो जलवा था, उनका जो रुतबा था, वो उनके कामों से और बढ़ा है। हरदीप सिंह डंग के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। ऐसे में हरदीप सिंह जैसे कद्दावर नेता को तो चुनाव जीतना ही था। बड़ी जीत है ये पूरी भाजपा के लिए और हरदीप सिंह के लिए। और मध्य प्रदेश में अब क्योंकि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो हरदीप सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी फिर से मिलने वाली है ऐसा लगता है। डंग साहब की बात करें, इनको 1,10,706 वोट कुल मिले हैं और ये अव्वल साबित हुए हैं। राकेश पाटीदार को 85,126 वोटों से संतोष करना पड़ा है, और मुझे लगता है कि अगले 5 साल तक अगर राकेश पाटीदार मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि 28 के चुनाव में उन्हें सफलता मिले। आप लगातार दखल न्यूज देखते रहिए, हम आपके साथ जानकारियां साझा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बन रही है, लेकिन कौन मंत्री बन सकता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस सब चर्चा को जारी रखेंगे। देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।